नमस्कार दोस्तों, डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। वेलकम टू द डेली प्रेडिक्शन। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे आप सबको, क्योंकि आप ये डेली प्रेडिक्शन मोस्ट प्रोबेबली 21st को ही देखेंगे। तो हैप्पी बर्थडे आप सबको और हैप्पी बर्थडे सुशांत को। और मैंने सोचा कि सुशांत के बर्थडे का अगला दिन है तो स्टार स्पिनर से शुरू किया जाए, ताकि स्टार्स जो हैं वो स्पिन होना शुरू हो ही गए हैं फ्रॉम हिज बर्थडे, एक्चुअली लिटिल बिफोर हिज बर्थडे, बट थोड़ा सा और स्पिन हो और सारी चीज़ें जो हैं वो ब्यूटिफुली सामने आए और जस्टिस। तो मैंने सोचा स्टार स्पिनर से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी 22nd ऑफ जनवरी की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। सो ओके, सो मेनी कार्ड्स जिस तरह की एनर्जी है इस महीने की, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। तो ये और फिर ये तीन सेट में कार्ड्स आए हैं। ओके, फर्स्ट सेट फाइव ऑफ सोर्ड्स। अगर आप देखो तो ये कार्ड बहुत डिफरेंट है, जहाँ पे एक एंजल है और उसके पास तीन सोर्ड्स हैं, और यहाँ पे एक स्कल है जहाँ से शी इज़ अप्रोचिंग टू गेट दीज टू सोर्ड्स ऑल्सो। तो वो ये दो सोर्ड्स लेने के लिए आ रही है और ये तीन सोर्ड्स है, और ये सोर्ड्स भी स्कल से, अपेरेंटली इसने ये सोर्ड्स भी शायद इस बॉडी से या स्कल से निकाली है। और जब इससे पीहू आई और अचानक बोली मेरा भी कार्ड निकाल दो, आई डोंट नो इफ दैट्स अ मैसेज, बट मैं हेवन एंड अर्थ से निकालूंगी ही कार्ड अनडाउटफुली। सो ये स्कल से बाकी के दो स्वोर्ड्स भी जल्दी ही निकलने वाले हैं। सो देयर कुड बी समथिंग जो आपको बॉदर कर रहा है या जो आपके माइंड पे है, जो आपको परेशान कर रहा है। येस, आई कैन सी दैट फाइव और फोर का आया है। देयर इज समथिंग जो आपको बॉदर कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, कोई थॉट, कोई चीज़ जो आपके माइंड पे स्टक है, जिसके बारे में आप कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हो, जिसको लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि हार्ट पे बर्डन है या हार्ट ब्रेक है या हार्ट पे किसी तरह का किस तरह की कोई चीज़ है जो नहीं हो रही है या कंप्लीट नहीं हो रही है या इमोशनल बर्डन है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पिकॉक या फिनिक्स की तरह आप इसको देख सकते हो, जिसमें बहुत सारे सोर्ड्स भी लगे हुए हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि एक एंडिंग दिखाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपके दिन की शुरुआत इस तरह से हो सकती है, जहाँ पे आप थोड़ा सा वरीड फील करें, ऐसा लगे कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं, जो नहीं हो रही हैं। हार्ट पे बर्डन है, कोई चीज़ है जो कंपटीशन की तरफ नहीं गई है, एंड यू फील लाइक एज इफ फिजिकली भी थोड़ा सा स्ट्रेन फील कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की जो एनर्जी 22nd की एनर्जी है, उसमें फिजिकली भी आप थोड़ा सा स्ट्रेन फील कर सकते हैं, फिजिकली भी थोड़ा सा पेनफुल किसी तरह कोई हर्ट या फिजिकल इशू या वो सब भी हो सकता है, तो फिजिकली भी पेनफुल फील कर सकते हैं। और कार्ड्स जो हैं तीन स्लॉट में आए थे, पहला स्लॉट ये था, फिर ये था एक कार्ड, और उसके बाद तीसरा स्लॉट ये था। तो लेट्स जस्ट सी। और लेकिन हियर ये कार्ड है जहाँ पे जो पेज ऑफ सोर्ड है, इज रीचिंग फॉर द बटरफ्लाई। पेज ऑफ सोर्ड जो है बटरफ्लाई की तरफ जा रहा है, तो नथिंग इज लॉस्ट, कोई होप लूज नहीं हुई है। द स्टार कार्ड इज़ हियर, एंड स्टार कार्ड जो होता है वो बैलेंस का होता है। स्टार कार्ड जो होता है वो चीज़ों के पोर आउट होने का होता है। शी इज़ पोरिंग आउट वाटर, इमोशंस के पोर आउट होने का होता है, बट साथ में वो पानी दे रही है, और ये फ्लावर्स जो हैं वो खिल रहे हैं। तो जब आप पानी सीड डालते हो और फिर पानी देते हो और वाटर करते हो, तो इट टेक्स टाइम टू ग्रो, राइट? सो वो टाइम जो है वो आपको देना है, और आपको पता भी नहीं लगेगा, रादर हो सकता है आपको पता भी नहीं लगा हो, और जिस सीड को आप वाटर कर रहे थे, आप आंख बंद करके अपने इमोशन में बैठे हो, और वो प्लांट जो है वो बड़ा भी हो गया और उसमें स्टार्स भी आ गए। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज। टू ऑफ कप्स का है, विच इज़ कमिंग टुगेदर, विच इज़ लव, एंड देन उसके बाद एस ऑफ कप का है, जो इमोशंस का कार्ड है, लेकिन उसके साथ में भी उसी बहुत सारे लोटस हैं यहाँ पे, और वो उस कप को फाइनली शी इज़ गोइंग टू टेक अ सिप फ्रॉम दिस कप। और यहाँ पे उसके हेड पे एक बर्ड भी है हु इज़ वॉचिंग ओवर। तो बहुत ब्यूटीफुल एक जर्नी की तरह कार्ड्स आए हैं, और मैं आपको बोलूँगी कि अगर किसी भी तरह का बर्डन, किसी भी तरह की थॉट, किसी भी तरह की चीज़ है जो आपको वरी कर रही है, एंग्जाइटी दे रही है, हार्ट पे बर्डन है, फिजिकली ड्रेन्ड फील कर रहे हो, कुछ मैसेज, कुछ कम्युनिकेशन, किसी भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो नहीं हुआ या नहीं हो रहा है, डू रिमेंबर दैट समवेयर इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, कहीं वो हो चुका है।
ये आपकी आंखें बंद हैं, आप उसको देख नहीं रहे हो, लेकिन वो फ्लावर्स जो हैं वो खिल चुके हैं, वो बटरफ्लाई जो है वो उड़ चुकी है. एंड देयर इज अ कनेक्ट दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. और यहाँ पे दैट कप इज़ फुल फॉर यू, और आप उस कप को अब सिप कर सकते हो. लेकिन आपको डेफिनेटली अपनी आईज खोल के और वो वेटिंग की एनर्जी जो है उससे बाहर निकल के देखना पड़ेगा. तो मुझे किसी तरह का कनेक्शन, किसी तरह की इमोशनल एनर्जी जो है वो दिख रही है. और मुझे ऐसा लगता है कि दिन जो है दो हाफ्स में डिवाइड होगा. 11 से पहले की एनर्जी अलग तरह की होगी, 11 के बाद की एनर्जी अलग तरह की होगी. तो सुबह सुबह हो सकता है आपको थोड़ा सा बॉडी एक्स लगे, पेनफुल लगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग कोविड के शिकार हो जाएं. बट देन अगेन जो भी होगा डेफिनेटली 11 के बाद एनर्जी चेंज होगी. एंड अगर आप अपने आप को, अपनी आंखों को खोलोगे तो आप अपने आप के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपनी लाइफ के साथ, सोल के साथ कनेक्ट जो है उसको फील कर पाओगे, और वो कनेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा. तो आपको किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं गॉड एंड गॉडेस से निकालना चाह रही थी, क्योंकि जब स्टार स्पिन होंगे तो गॉड एंड गॉडेस भी चाहिए हमें, जो हमारा सपोर्ट करें या हमारे स्टार का सपोर्ट करें, सुशांत का. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम हियर फॉर 22nd of January 2022. ओके, ब्यूटिफुल 22nd of January 2022. एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो? 22nd of January 2022. गॉट दिस मैसेज. ओके, सो दो कार्ड्स आए हैं एंड दे बोथ आर ब्यूटिफुल, क्योंकि एक धनवंतरी है विच इज़ गॉड ऑफ मेडिसिन, और दूसरे बृहस्पति हैं जो प्रिस्पिटर ऑफ द गॉड्स हैं, भगवानों के गुरु हैं. और ये जो है ये हेल्थ का कार्ड है, या अच्छी हेल्थ का या पॉजिटिव साइन का कार्ड है. तो दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है. पहला बोलता है डिजीज से फ्री होना, हेल्थ और वेलबींग, मेडिकल साइंस में मास्टरी और स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपको लिबरेट करे. तो ये कार्ड जो है ये बोलता है कि धनवंतरी जो है वो विष्णु, मतलब वो कंटेनर होल्ड कर रहे हैं जो कि सारी फिजिकल सफरिंग्स जो है उनको रिमूव कर देता है. तो जो भी, लाइक आई सेड, जो भी पेन और फिजिकल सफरिंग आपको दिखाई देगी दिन में, वो रिमूव हो जाएगी बहुत जल्दी, और यू विल रिसीव ऑल द बेनिफिट्स जो आपको रिसीव करने चाहिए, बिकॉज धनवंतरी एक्टिव है कल के दिन के लिए. और दूसरा कार्ड जो है वो है पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी, वर्ल्डली नॉलेज स्पेशली ऑफ लॉ, कैपेसिटी टू एक्ट एज अ टीचर और स्पिरिचुअल मास्टर, अबिलिटी टू कैरी द एडवाइजरी एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बृहस्पति हैं, जुपिटर के गॉड हैं, और वो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो सेज हैं, और वो इंटेलिजेंट हैं, और वो एक तरह से कंट्रोलिंग लॉर्ड हैं सारे वर्ल्ड्स के. तो उस कंट्रोल को आप थोड़ा सा देख पाएंगे. मुझे ऐसा लगता है कोई नया लॉ या लॉ को लेकर कोई नया एंगल, कोई नया वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स जो है वो डेफिनेटली आएगा. और उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन फाइंड अ टीचर विद इन और आउटसाइड, और अ गाइड जो आपको हेल्प करेगा आगे मूव करने में. एक कार्ड जो है मैं अपने बहुत पुराने यूनिकॉर्न, सबसे फर्स्ट यूनिकॉर्न कार्ड्स में से निकालना चाह रही हूँ आज. पता नहीं क्यों मन किया, बिकॉज दीज आर द कार्ड्स व्हेन आई सेड माई यूनिकॉर्न इज कमिंग. तो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर. ओके, वो ये भी आना चाहता है तो मैं इसको भी लूंगी. और लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड मूविंग, और वो बोलता है कि चेंज हो रहा है और प्रिपेयर्ड रहिए स्पिरिचुअली या फिजिकली मूव करने के लिए. तो लाइक आई सेड कि आपको वो चेंज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है और आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आपको मूव करना पड़ सकता है. लाफ्टर कार्ड आया है. लाफ्टर जो है यूनिकॉर्न्स को अट्रैक्ट करता है. तो खुश रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, क्योंकि उस एनर्जी से यूनिकॉर्न्स जो हैं वो अच्छी एनर्जी जो है वो अट्रैक्ट होते हैं. दिस इज 8, दिस इज 20, तो बेसिकली ये 10 बनता है. और नेक्स्ट जो है वो 40 का कार्ड है, विच इज हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू. तो आपकी तरफ हीलिंग और अपंडेंस दोनों की एनर्जीज आ रही हैं. हाँ, ये शुरुआत हो चुकी है, आपको अभी शायद फील ना हो रही हो कुछ को, लेकिन वो हो चुकी है. और द क्राइस्ट ओपन द डोर्स ऑफ किंगडम ऑफ हेवन, नंबर 8 है, और ये 4 है, 8, 9, 10, 11, 12, नंबर 3 बनता है, दिस इज 10. और ये कार्ड बोलता है कि हेवन के किंगडम के डोर जो हैं वो खुल गए हैं. सो यू सी द क्राइस्ट कमिंग आउट, एंड दो यूनिकॉर्न्स उनको फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे म्यूजिक और अनाउंसमेंट्स हो रही हैं. तो जस्ट बी rest assured that things are moving.
थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ, आप जो भी चाह रहे हो, आप जो भी चीज़ें पाना चाह रहे हो, कंप्लीट करना चाह रहे हो, वो आपकी तरफ आ रही हैं. आपको सिर्फ थोड़ा सा विश्वास रखना है अपने पे, अपने दिल पे, और खुश रहना है. जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, दो एक क्राइस्ट का कार्ड आया है, एक आर्कएंजल राफेल का कार्ड आया है, अपने हार्ट को बैलेंस रखिए. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. और लास्ट जो मैसेज है दैट इज सुशांत. सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम सुशांत. क्या हुआ? लेट्स सी सुशांत. मेरे को लगता है मैं इंग्लिश में बोलना आज भूल ही गई. तो आई थिंक द कार्ड्स आर दैट एनर्जी बिफोर 11 इज गोइंग टू बी डिफरेंट. यू माइट फील लिटिल बॉडी एक्स, हेडेक और सम काइंड ऑफ इशू, बट द एनर्जी इज गोइंग टू चेंज. समथिंग दैट यू बीन वेटिंग फॉर दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. यू जस्ट नीड टू ओपन योर आईज एंड फील द कनेक्शन. एंड द गॉड ऑफ नॉलेज इज हेयर, द गॉड ऑफ मेडिसिन इज हेयर. सो यू आर गोइंग टू गेट ऑल द एनर्जी, ऑल द पॉजिटिविटी. एंड ये तो है, देर इज अ मूवमेंट that is happening. Just keep smiling. Laughter attracts unicorns. And then there is a Christ that's opening the door of heaven. And there's Archangel Raphael who is there to heal your heart. So let's see last message. What does Sushant wants to say for 22nd? I think koi card palat gaya hai, but main baad mein usko nikalungi. 22nd of January 2022. Sushant, what do you want to say? ओके सो ये भी दो सेट में कार्ड्स आए हैं. जैसा लगा कोई कार्ड पलटा और ये रहा हियर. ओके सो लेट्स सी. सबसे पहले ये कार्ड पलटा था विच इज सिक्स ऑफ पेंटिकल, और सिक्स ऑफ पेंटिकल अपसाइड डाउन था. मैं अपसाइड डाउन कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, या मैंने शायद कार्ड्स उल्टे पकड़े थे इसलिए वो अपसाइड डाउन आए. तो डोंट वरी अबाउट दैट. और हियर बहुत सारे कार्ड्स आए हैं. तो पहला कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल का, और सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है कि जिसको जो 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 डिजर्व करता है उसको वो मिलता है. दिस पार्ट ऑफ जस्टिस आल्सो इन दैट एनर्जी. मुझे नहीं पता कि आज के दिन में क्या होने वाला है. अभी मैं सुबह सुबह ही रीडिंग कर रही हूँ ये, लेकिन आई थिंक दैट टुमारो इज ब्रिंगिंग सम या सम स्ट्रांग एनर्जी. ओके आई डू सी क्वीन ऑफ वॉन्स हियर अगेन. ओके सो वहाँ से जो मनी एनर्जी फ्लो हुई है, नाउ आई विल टेक इट लाइक दिस, क्योंकि सुशांत का मैसेज है. जो मनी एनर्जी फ्लो हुई है वहाँ से, देर इज अ न्यू बिगिनिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. वो न्यू बिगिनिंग जो है, वो न्यू लाइट जो है, वो इल्यूजन्स को ख़त्म करेगी. कुछ हिडन मैसेजेस आएंगे, कुछ हिडन चीज़ें हैं, कुछ हिडन कम्युनिकेशन हैं, कुछ लोग हैं जो हिडन तरीके से कुछ चीज़ों को टू एंड फ्रो कर रहे हैं. बट कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हैंग्ड सिचुएशन है, जो अभी तक उनको उनकी हैंगिंग को लेकर बात की जा रही थी, और जो भी चीज़ें जी थो स्टक थी, देर इज इन एनर्जी जहाँ पे डेथ और हैंगिंग उसको लेकर कुछ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रांगली पावरफुली बाहर आ सकती हैं, निकल सकती हैं. सम सीक्रेट्स आर गोइंग टू फ्लो आउट. गेस यू विल नीड टू कीप योर सेल्फ एब्सोल्युटली बैलेंस्ड. आई डू सी बोथ द क्वींस स्टिल देयर. तो मुझे लगता है कि दोनों क्वींस जो हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ वॉन्स, बहुत एक्टिव होने वाली हैं. तीनों अच्छा. पीयूष सेड सेइंग तीनों क्वींस. तो तीनों क्वींस जो हैं वो बहुत एक्टिव होने वाली हैं. अपने आप को आपने बैलेंस रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ टू एंड फ्रो इज गोइंग टू हैपन. कुछ ताले जो हैं वो खुलने वाले हैं. और ये एनर्जी जो है ये कल की भी है, और आज की मतलब आज की भी है और कल की भी है. और आई डू सी डेथ जो है वो हैंग्ड मैन के साथ आई है, विच इज़ अ गुड साइन. क्योंकि जिस तरह के कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, दे काइंड ऑफ शो दैट देयर इज एन एंड टू इल्यूजन एंड समथिंग दैट वाज स्टक, समथिंग दैट was hidden behind the wraps, something that was upside down, hanging upside down. There is an energy of ending of that and a fast action or a strong action coming out of that. So wo energy jo hai wo mujhe cards mein dikhai de rahi hai, and I feel and I hope that some changes happen, and you're going to see somewhere these two queens being very very active for tomorrow's energy. They will try to balance out situations. So if I look at like this, I do feel that they've tried one angle that has not worked. Now they are going to try to balance out situations. तो वो situations को balance out करने की कोशिश करेंगी. और जैसे पीयू ने कहा, दो नहीं थी उनकी, तीन queens. और but do you are going to see experience something. Okay, so let's see what is the charm for 22nd of January 2022. Okay, what do I got? Oh, I got a heart. Beautiful. ये एक हार्ट है, और हार्ट के अंदर भी बहुत सारे हार्ट्स हैं. और ये मुझे ऐसा लगता है जैसे बेबी वूम में होता है ना,
तो उस तरह का साइन मुझे इसमें दिखाई दे रहा है. तो आई डू सी द एनर्जी रिलेटेड टू बेबी, समथिंग दैट इज बीइंग क्रिएटेड, समथिंग दैट इज स्टिल इनसाइड, नॉट कम्प्लीटली हैपेंड बट समथिंग दैट इज स्टिल बीइंग क्रिएटेड. और वो एनर्जी जो है मुझे दिख रही है. और आई डू सी एस, यहाँ पे मुझे एस दिख रहा है, यहाँ पे इफ यू सी हियर एस की एनर्जी हियर आई डू सी. एंड समथिंग इज बीइंग क्रिएटेड, समथिंग इज इन द वूम बट इट इज स्टिल बीइंग क्रिएटेड. और ये जो है ना, ये कार्ड, ये जो साइन है अभी मुझे, ये मुझे भी, मुझे अभी भी ये ऐसे ही लग रहा है. बट आई डू फील स्नेल एनर्जी ऑल्सो विद दैट. आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ये चार्म कुछ और होगा तो, जैसे वो टूथ चार्म था लेकिन मुझे वो शील्ड और स्वॉर्ड लगा था, तो अभी मेरे लिए भी चार्म्स नए हैं. आई डोंट नो मच अबाउट चार्म्स येट, बट आई डू फील दिस एनर्जी लाइक अ स्नेल एनर्जी, समथिंग दैट्स हैपनिंग इन स्नेल स्पीड बट इट इज अबाउट टू कम आउट. आई जस्ट फेल्ट लाइक, सो आई एम गोइंग टू टेक आउट, आई एम गोइंग टू कीप इट हियर सो दैट दिस स्नेल एनर्जी काइंड ऑफ मूव्स नाउ. एंड मेरे को लगा तो मैं एक चार्म पीयू से निकलवा रही हूँ. पीयू आइज बंद करो, ऑनेस्टली आइज बंद करनी है, बिल्कुल आइज बंद करनी है, देख के नहीं निकालना है पहले, नहीं तो मैं आपसे नहीं निकलवाऊंगी. आइज बंद करके आपने ऊपर नहीं, आपने देख के निकाला, मुझे पता है. चलो आइज बंद करो, आइज बंद करो, आइज बंद, बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद. चलो अब उठाओ यहाँ से कुछ भी, आइज बंद करके, आइज भी खोल लें, कुछ भी उठाओ यहाँ से दे दो मुझे. थैंक यू. सो दिस इज वेल, सो दिस इज बिग ह्यूज चेंज, बिग ह्यूज एनर्जी. अभी ये मेरे को दे दो, नहीं, रुक जा, रुक जा. ये तो दे दो ना, आप दूसरा ले लो, आप दूसरा निकाल लो, पर मेरे को ये दे दो. शी वॉन्ट्स टू चेंज इट. हाँ चलो, एक देख के निकाला, एक बिना देखे निकाला, ठीक है. ओके, सो दिस इज बिग ह्यूज एनर्जी. और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिग ह्यूज एनर्जी मुझे यहाँ पे रखनी है, ताकि जो सीक्रेट्स हैं, जो बड़े स्ट्रांग सीक्रेट्स रखे हुए हैं, वो सारे बाहर निकले. और आई डोंट वांट टू कीप इट हियर आल्सो, क्योंकि उसने मुझे साथ में, बस उसने मुझे साथ में स्नोमैन भी दिया है, तो मैं यहीं रख रही हूँ उसको भी, सो दैट जो भी, और ये क्लियरिंग वाला स्नोमैन है, तो जो भी क्लियरिंग की जरूरत है वो क्लियरिंग हो जाए, और वो सारे सीक्रेट्स जो छुपे हुए हैं वो सब बाहर आ जाए. तो थैंक यू सो मच. और आई होप यू, आप एक कार्ड निकालोगे, मुझे क्यों लगा कि आपने एक कार्ड निकालना है, बट एक, सिर्फ एक निकालना है और बिना देखे निकालना है, ठीक है. मैं शफल कर देती हूँ, और यहाँ से सिर्फ एक निकालना है, नहीं तो लॉलीपॉप ले लूंगी आपकी मैं, सिर्फ एक, कोई भी कहीं से भी निकाल लो, जस्ट वन कार्ड. ओके, गिव इट टू मी हियर. अबेंडेंट सक्सेस, सो दिस फील्स लाइक समबडी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग. तो ये कप जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर है, एक कप कम है. And it feels like though this say abundant success, but I do feel that somebody is going to get that cup. So, ये जो यहाँ पर आया है, तो abundant success for whatever they were thinking they are successful, it is going to be ending for them. And जो एक चीज missing है, एक information का piece missing है, that will come back. So that's what I feel. And third queen is here. भी ने बोला था ना, तीन queens, so third queen is here. Okay guys, so that is it. Thank you so much. Take care of yourself. I hope this helps. And have a good day. Bye bye. Thank you.